सो हेलो गाइस, मेरा हूँ ये सवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक फ्रेश नए वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को केवाईसी का अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों फाइनली जितने भी डीटीएस सब्सक्राइबर हैं उनको अब यहाँ पे केवाईसी करवाना होगा। अगर आप लोग ने अभी तक ये न्यूज नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आप लोग की इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बस आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है। और दोस्तों आप लोग आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, नए चैनल कर देना भाई सब्सक्राइब, साथ में कर देना बेल आइकन को प्रेस। मैं आपके ऐसे रोजाना टेक रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है ये सारा कुछ जो नियम है वो आप लोगों को ट्राई की तरफ से देखने को मिलता है। और फाइनली यहाँ पे ट्राई ने ये कह दिया है कि जितने भी डीटीएच सब्सक्राइबर है उनको यहाँ पे केवाईसी करवाना होगा। तो यहाँ पे मेरे सामने न्यूज है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक यहाँ पे पढ़ के जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में जो ट्राई ने है इस साल के टैरिफ को चेंज किया था और आप लोग को भी पता है कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पे हुई थी। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो ट्राई ने यहाँ पे सॉल्व भी करा और फाइनली जो है अभी हाल ही में अभी ट्राई ने ये ले लिया है कि जितने भी डीटीएस सब्सक्राइबर है उनको यहाँ पे केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जो अभी मौजूदा जो सब्सक्राइबर है जिनके पास अभी कनेक्शन है उनको यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे जो टाइमिंग है वो दिया है, 2 साल के अंदर उनको यहाँ पे केवाईसी करवाना है। और यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर भी उस डीटीएच में लिंक करवाना है। तो यहाँ पे 2 साल का है। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग अगर नया कनेक्शन खरीदना चाहते हैं तो वहां पे उनको अब केवाईसी हाथ के साथ करवाना होगा, उसके ही बाद उनको कनेक्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ट्राई ने जितने भी डीटीएच ऑपरेटर है उनसे ये कहा है कि अब आप लोगों को अपने जो सब्सक्राइबर है जिनको आप लोगों ने कनेक्शन दिया है उनका केवाईसी आप लोगों को करवाना जरूरी है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 2 साल का जो समय है वो ट्राई ने यहाँ पे दिया गया है, 2 साल के अंदर आप लोग को करवाना जरूरी है। नहीं तो आप लोग को पता है केवाईसी एक्सपायर होने के बाद क्या होता है, फोन पे का जैसा आप लोग को पता है बहुत से लोगों के वॉलेट में बैलेंस अटक गया है वैसे ही ये भी आपका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये केवाईसी उसी तरीके से होगा जैसे कि आप लोग सिम लेते हैं फर्स्ट टाइम तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, ओनली आप लोग को आधार नंबर देना होता है और आपका थंब वहां पे लगता है। तो इसी तरीके से आप लोग जब भी सेटअप बॉक्स लेंगे तो इस तरीके से ही आप लोगों को केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया जो भी नया कनेक्शन लेते हैं तो उनको यहाँ मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि इंस्टॉल नहीं होगा अगर आप लोग केवाईसी नहीं करेंगे तो। आप लोगों को जाना है, केवाईसी करवाना है, उसके बाद आप लोग ने जो केवाईसी में डिटेल्स दिया है वो डिटेल्स पे आपका जो सेटअप बॉक्स है वो वहां पे इंस्टॉल होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, जब भी आप लोग सेटअप बॉक्स ले लेंगे उसके बाद जब भी वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे ऑपरेटर तो वो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड करेंगे, उसके ही बाद आपकी जो पहचान की वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करके आपके वहां पे जगह पे इंस्टॉल करेंगे आपके डीटीएच को। दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज निकल के आई थी उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे पूरा नॉलेज दिया। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राहुल जैसा आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।